बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इनायतुल काशिप एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं माजरत खाऊं कि सुबह 8:30 बजे मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन सुबह जब हम अपने दफ्तर पहुंचे तो शहर की बिजली बंद थी और नेट जो है वो बिल्कुल ऑफ था, वाईफाई और कनेक्शन जो है वो ज़ाहिर है लाइट नहीं थी तो ऑफ हो गए थे, और इसलिए फिर हम जो है आपको वीडियो नहीं दे सके, उसके लिए माजरत। और उसके बाद मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे अहबाब के कराची से, लाहौर से, पिशावर से, मर्दान से, लोरालई से, करक से और क्वेटा बलोचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से आपके फ़ोन आए और आपने हमारी कोशिश और काविश को सराहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और कुछ लोगों ने तो नहीं कहूँगा, एक आध बंदे ने तो खैर हमें गालियाँ भी दी हैं और YouTube पे आके, और वो गालियाँ सुन के कुछ सुकून भी महसूस हुआ कि चलो अच्छे काम की कदर करने वाले जहाँ पर होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको काम करना अच्छा शायद ना लगता होगा। बहरहाल कुछ नहीं होता ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से घबराया नहीं करते। और मैं आप तमाम का जिन्होंने मुझे कॉल की, मैसेजेस किए और कमेंट बॉक्स में आके मैसेजेस किए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए, कराची वाले बार बार मिठाई का पूछते रहे, मैंने उन्हें दुआ की इस्तदा की, आप सबसे दुआ की इस्तदा है। और उसके बाद जो मैं अहम बात आपसे करना चाहता था वो बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि परसों की जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने 18वीं तरमीम के हवाले से EOBI के सूबाई और विफाकी मसले पर बात की थी, उस वीडियो के नीचे अहलियान सिंध, कराची, हैदराबाद, बदीन, सक्कर, जहाँ जहाँ से लोग थे उनके बड़े मैसेजेस आए और सब ने कहा कि खुदा के लिए विफाक में रहने दें, अगर ये पैसा सिंध में आ गया तो आपको पता है कि सिंध हुकूमत जो है वो खा जाएगी। और उन्होंने बहुत सारे आपके कमेंट बॉक्स में मैं आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा और आपकी दिलजोई, तमाम चीज़ों को बड़ा मैंने नज़दीक से फील किया, बड़े करीब से फील किया। बहरहाल अब ये चूंकि कानून का मसला है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है इसके हक में क्या फैसला देती है, और मेरे ख्याल में अब हमें सुप्रीम कोर्ट के इस केस की पैरवी भी करनी चाहिए, और मैं उसकी फाइल वगैरह निकलवाता हूँ, कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि अगर फाइल तक रसाई हो जाती है, ज़ाहिर रसाई हो जाएगी तो इंशाल्लाह उसको हम टेकअप भी करते हैं, उसमें ख़ुद भी हम कोशिश करेंगे कि पेश होंगे। अब अगली बात जिसके लिए मैंने वीडियो बनानी थी वो ये कि ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे EOBI के इजाफे का ऐलान किया, तो वहाँ पर उन्होंने सिंध हुकूमत पर और ख़ास तौर पे सईद गनी साहब की जो है वो बहुत सारे उन्होंने बातें की, और उन्होंने कहा कि ये अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़, अपनी ही किए हुए फैसलों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, और उन्होंने जो है ज़ाहिर है उनका मौक़िफ़ था और बड़ा वज़नी मौक़िफ़ था, और सूबाई हुकूमत ने भी कोई कानून साजी इस हवाले से की हुई है। मैं चूँकि आपसे वादा है कि मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन ये मसरूफियत की वजह से मैं उस पर काम नहीं कर सका, तो कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो ले आऊँ। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इजाफे का ऐलान हो गया, सईद गनी साहब का मौक़िफ़ जो उन्होंने परसों की हवाले से दिया था, मैंने उनका मौक़िफ़ वीडियो में, तो उन्होंने जरा एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट में उन्होंने कहा कि ज़ुल्फ़ी बुखारी अब हमें बताएंगे कि जनाब ये इदारे कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्यों बनते हैं। और सईद गनी साहब, बात ये है, आप पुराने पॉलिटिशियन होंगे, आपकी जद्दोजहद भी है, आपकी जद्दोजहद को हम सलाम भी कर देते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं बाकी साहब जो है वो ऐसे फजूल हैं और उनका कोई किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ज़ुल्फ़ी बुखारी की पॉजिटिव चीज़ है तो हम उसे कबूल करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि उसने पॉजिटिव काम किया है। आपके पास कोई अगली दलील है, आप ज़ाती तौर पे तनकीद करना शुरू कर दिया आपने कि जी वो आप हमें समझाएगा, क्या पिदीप का शोर, भाई यार खुदा के लिए रहम करें,
लोगों के मसाइल हैं, आपने बताया क्या हल किए हैं। सवाल तो ठीक है उनका कि 2010 में 18वीं तरमीम आई थी, उसके बाद आपने उसको ऑन ही नहीं किया। अब 10 साल के बाद आपको ख्याल आया कि आपने उसको ऑन करना है, जी हमें विफाक फंड नहीं दे रहा, जी वो WWF के फंड नहीं आ रहे हैं, जी आप कहाँ थे 10 साल, दो टर्म आप मुकम्मल करने वाले हैं, आपको आपने सवाल ही नहीं किया इस हवाले से। तो खुदा के लिए OBI के बुजुर्गों पे और दीगर लोगों के मैरिज ग्रांट्स के मसाइल हैं, बहुत सारी खवातीन के डेली फोन आते हैं, जी वो मैरिज ग्रांट्स का क्या बन रहा है, वो जी हेल्थ ग्रांट का क्या बन रहा है। जाहिर है कंसर्न है, और आप हैं कि आपको ये अटकेलियाँ सूझी हुई हैं। आप ये कहते हैं जी वो सिंध का मसला है, सिंध कहते हैं जी विफाक का मसला है, विफाक कहते हैं सिंध, विफाक की भी मैं यहाँ पर क्लास लूंगा, वो भी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, उन्होंने भी तो प्रॉपरली इस पर काम नहीं किया। वो जाते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते कि जनाब हमें बताएं हमने क्या करना है इसका, इस इदारे को किसी किनारे लगाएं, सूबों को देना है, सूबों को दें, हमें देना है, हमें दें, आप फैसला करें, आपके पास पिटीशन है। सुप्रीम कोर्ट खुद को भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे मसाइल जिनमें 80-80 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ लोगों के मफादात वापस लाएं, आप फाइलें जो है ना वो पड़ी हुई है और उन फाइलों की तरफ देखता कोई नहीं है, किसने देखना है, सवाल ये है ना। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा करेंगे, 10 बसा गुजारिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से, गुलजार मिर्जा साहब से, वो बड़े समझदार इंसान है, बड़े लर्नेड आदमी है, निडर और बेबाक किस्म के बंदे हैं, तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे ऐसे केसेस को टेकअप करें। जैसे ग्रुप इंश्योरेंस का मसला है, अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, आप उसमें करें लार्जर बैंक तश्कील दें और उस फैसले को तरजीह बुनियादों पे करें। अच्छा विफाक आ जाता है कहीं से, कहीं से सूबे आ जाते हैं, कहीं से कोई वकील गायब है, कहीं से कोई जनाब किसी इदारे का बंदा नहीं है, ऐसे तो ये सारी जिंदगी चलता रहेगा, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो या तो पाबंद करे, अगर कोई नहीं आता तो तौहीन अदालत उस पर लगाए, अगर कोई मजबूरी है तो ठीक है आप इतनी सारी पेशियां हो चुकी हैं, लार्जर बेंच तश्कील दें और इसको कंक्लूड करें, फाइनल करें। इसी तरह EOBI के हवाले से जो मामला पेंडिंग है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसको भी फाइनल करें। और यहाँ पर फिर एक और भी मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अगरचे 1500 रुपये का इजाफा हुआ है, ये कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, हमें इत्मीनान से नहीं बैठना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करते रहना चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा है कि 15,000 रुपये जो है वो पेंशन की जाए, EOBI के बुज़ुर्गों को सेहत कार्ड दिया जाए, और EOBI के बुज़ुर्गों को जो है जिनके ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रहती है उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाए, और EOBI सहूलत कार्ड, EOBI सेहत कार्ड और ये फौरी तौर पर जारी किए जाए। बाकी एक दफ़ा फिर मैं आपका मशकूर हूँ, ज़ाती तौर पे आपको मशकूर हूँ, अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो, आपने बड़ी मोहब्बत दी, आपने जो है मेरे लिए दुआएं की। बाकी मैं एक बात यहाँ पे वाज़े करता चलूँ, जब कोई इंसान अच्छा काम करने लगता है तो टांगे खींचने वाले वो पीछे पीछे होते हैं। मैं आपसे ये एक वादा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ऐसे लोगों की मैं जिक्र नहीं करूँगा उनका, हम पॉजिटिव चलेंगे और इंशाल्लाह मैं EOBI की, वो तो बहुत बड़ा इदारा है ना, हम आपको एक ऐसा इदारा बना कर देंगे, आपका सवाल आएगा तो आपको उसका जवाब फौरी तौर पे विद इन कुछ टाइम आपको मिलेगा, क्वेरी आपकी आएगी उसका जवाब मिलेगा। अभी हम सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हमने सॉफ्टवेयर वगैरह मैंने आपको बताया था कि हम इस पे जा रहे हैं, कुछ नए कर लिए हैं, कुछ करने जा रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हमने बनने के लिए दे दिए हैं कि जिसमें जो है ये हम सारी चीज़ें एक साथ एक विंडो एक जगह पे बैठ के हम तमाम पूरे के पूरे 4 सूबों को तमाम अज़ला को हम डील कर सकें। और इंशाल्लाह ये मेरी जो EOBI की टीम है, मैं इंशाल्लाह जल्दी उसका आपसे तारों भी करवाऊँगा कि हम कितने लोग इस वेबसाइट पर, इस यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं, मकसद एक ही है और वो है फलाह। जो शख्स नेक नियति के साथ फलाह की तरफ बढ़ता है अल्लाह उसकी मदद करता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।